आज सुपाची की ओर से मंगलवार को नीमडीह प्रखंड के चालियामा में जनजागरण पदयात्रा निकाली गई। केंद्रीय महासचिव हरिलाल महतो के नेतृत्व में निकाली गई पदयात्रा में नीमडीह प्रखंड के चालियामा, टेंगाडी, सामानपुर व लपुंगडी पंचायत के कार्यकर्ता शामिल हुए। पदयात्रा के तहत कार्यकर्ताओं ने चालियामा गांव का भ्रमण किया। इस दौरान हेमंत सरकार, हाय हाय हेमंत सरकार, वादा निभाओ इत्यादि नारे लगाए गए। पदयात्रा संपन्न होने के बाद आयोजित नुक्कड़ सभा को संबोधित करते हुए केंद्रीय महासचिव हरिलाल महतो ने कहा कि झारखंड के इतिहास में ऐसा निकम्मी सरकार राज्य की जनता ने नहीं देखी थी। जनता से झूठा वादा करके बहुमत हासिल की है, लेकिन सरकार ने उन वादों को पूरा नहीं किया। हरिलाल महतो ने कहा है कि हेमंत सरकार ने युवा, महिला, किसान, मजदूर, हर वर्ग को ठगा है। हर साल 5 लाख सरकारी नौकरी, महिलाओं को प्रतिमाह 2,000 रुपए चूल्हा खर्च, किसानों को ऋण माफ, विस्थापन आयोग, महिला विश्वविद्यालय, अस्पताल और भी अनेकों वादों के साथ हेमंत सरकार आई है। अब उन वादों को पूरा करने के बजाय जनता को बरगलाने का काम कर रही है। एक केंद्रीय कमेटी के निर्देशानुसार, पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष आदरणीय सुदेश कुमार महतो के निर्देशानुसार पूरे झारखंड में जन जागरण अभियान चलाया जा रहा है। उसी के तहत आज हम लोग ईचागढ़ विधानसभा के नीमडीह प्रखंड के चालियामा पंचायत के चालियामा गांव में आज हम लोग जन जागरण अभियान चलाए कि सरकार ने 2019 में जो यहाँ के नौजवान को जो झूठा वादा किए थे, पूरा नहीं किए। यहाँ के जो आंगनबाड़ी सेविका, सहायिका का जो वादा किए थे वो भी पूरा नहीं किए। यहाँ जो सुलभ खर्चा के नाम पर महिला को 2,000 रुपये हर एक महीना देने का वादा किए थे वो भी पूरा नहीं गई। सब वादा को लेकर आज पार्टी के निर्देशानुसार जन जागरण अभियान चलाया। पूरा ईचागढ़ विधानसभा में चलेंगे? पूरा ईचागढ़ विधानसभा के हर एक पंचायत।